नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। हत्या करने आए युवक की हो गई हत्या। लड़की के चक्कर में आजाद नगर क्षेत्र में हत्या करने आया था युवक। जी हां, इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में हुई युवक की हत्या में रोचक कहानी सामने आई है। मृतक युवक खुद हत्या करने अपने 3 अन्य साथियों को लेकर पहुंचा था, लेकिन हमला करने के दौरान खुद की ही हत्या हो गई। वहीं जिस युवक की हत्या करने गए थे वो गंभीर रूप से घायल है। दरअसल आजाद नगर थाना क्षेत्र के न्यू इंदिरा नगर में शाम के समय ऑटो रिक्शा से 4 युवक राजकुमार सोनकर के गैरेज पर पहुंचे थे। इन्हीं में से सोनू नाम के युवक ने राजकुमार पर चाकू से हमला किया था। राजकुमार ने हमला करने वाले सोनू को पकड़ा तो उसके साथियों ने हमला कर दिया, जिसमें चाकू सोनू को ही लग गया और उसकी मौत हो गई। हमले में राजकुमार भी घायल हो गया। घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से भाग निकले। घायल राजकुमार की पत्नी ने बताया कि हत्या गैरेज पर आने वाली एक लड़की को लेकर हुई है, जिसकी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। सुबह बोलकर गया, वो घर से निकला, मोनू कंडारे के वहाँ जा रहा है। मोनू कंडारे 4-5 दिन से उसको फ़ोन कर रहा था, तो फिर शाम को उसको हमने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर एक मित्र का फ़ोन आया हमारे पास में कि आपको शुभम के बारे में कुछ पता पड़ा है। हमने हमको तो अभी तक कुछ नहीं पता, 9:45 बजे। फिर हमको व्हाट्सएप पर फ़ोटो मिली, फिर MY गए। MY जाने के बाद सर ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। वो लड़की कौन है, कितने दिन मोनू के साथ रही है और क्या था? वो उसका तो कुछ पता नहीं, वो कभी कितने साल से रहती है, क्या है? शुभम पुताई पेंटरिंग करता था। कोई अपराधी अपराधी है? 4-5 है उसका। गोविंद, कल शाम को एक घटना हुई है जिसमें जानकारी मिली कि चाकूबाजी हुई है, एक व्यक्ति घायल है और एक गंभीर है। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचा तो दूसरे व्यक्ति खत्म हो चुका था। फिर मर्ग कायम किया गया और उसमें जांच में बात सामने आई कि मृतक शुभम बारोड़े है, जो परदेसीपुरा में रहता है, और इसका एक दोस्त है मोनू कंडारे, जो ऑटो चलाता है और नौलखा बस स्टैंड पर रहता है। फिर जब मोनू कंडारे की तलाश की, मोनू कंडारे मिला तो उसने पूरी घटना बताई कि उसकी एक लड़की से पहले अफेयर था। लड़की 5 साल के साथ रही है और करीब 6-7 महीने से राजा गोयल के साथ आकर रह रहे हैं शांति नगर में। तो 2 दिन से वो फ़ोन कर रही थी इसको, मोनू को, कि राजा मुझे मारपीट कर रहा है, मुझे ले चलो। कल सुबह 4 बजे से फ़ोन शुरू हुए तो मोनू को लगा कि कोई ऐसा तो नहीं चाल इनकी इसमें हो। तो मोनू अकेला नहीं गया, उसने अपने दोस्त को साथ में लिया, शुभम को, कि अपन चलते हैं। और राजा का दोस्त है राजकुमार, जो मोनू का परिचित था, तो उसने बोला कि राजकुमार से बात करेंगे कि लड़की को अगर रखे या लौटा दे, जो भी करना है, मारपीट ना करे। तो शुभम को उसने वहाँ भेजा और ऑटो दूर खड़ा किया। शुभम गया और शुभम ने बोला कि राजकुमार कौन है? मोनू भाई बुला रहे हैं। राजा लेकिन वहीं बैठा था बाजू में। तो राजा ने जैसे सुना कि मोनू बुला रहा है राजकुमार को, तो उसको लगा कि उसका साथी है, तो उसने फट से चाकू निकाले और मारपीट शुरू की, राजकुमार और इन्हें राजा ने। इसने ऑटो वाले ने देखा मोनू ने कि मारपीट हो रही है, वो चाकू चले, ये ऑटो लेकर भाग गया। फिर बाद में MY आए, इसने हमको जानकारी दी। तो ऐसा लग रहा है कि मोनू को मारने की प्लानिंग इनकी थी और चला गया शुभम, तो इनने गुस्सा उस पर निकाल दिया। सर, मृतक का क्या बैकग्राउंड है? मृतक शुभम है, उसके भी कुछ 5-6 मामले हैं, और लेकिन अभी इसकी कोई डायरेक्ट बुराई नहीं थी शुभम की। अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है कुछ? अभी चूंकि राजकुमार एडमिट है हॉस्पिटल में, चाकू उसको भी लगे हैं 2 पैर में, तो पुलिस हमारी कस्टडी में भी है, वो राजा की तलाश जारी है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।